स्वागत है जी आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज करने वाले हैं अपने ट्रैक्टर का वाइब्रेशन टेस्ट। यहाँ पर इसका जो है वाइब्रेशन टेस्ट करके देखेंगे, फुल आरपीएम पे और लोएस्ट आरपीएम पर भी जो है इसका वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे भाई कि कितना जो है ट्रैक्टर वाइब्रेट करता है। आगे यहाँ पानी का गिलास भर के रखेंगे, जैसे कि आप उधर देख सकते हैं, पानी का गिलास जो है फेंडर पर भी रखेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भी रखेंगे, मतलब कि सारी जगह जो है टेस्ट करके देखेंगे और फिर देखेंगे भाई कितना जो है वाइब्रेशन अपना ट्रैक्टर जो है यहाँ पर करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। आप जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना ही चैनल समझो, और यहाँ पर जो है इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चले चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं आपको ट्रैक्टर कितना वाइब्रेट जो है करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो इसके लोएस्ट आरपीएम है ना, वो आप देख सकते हैं एक बार 500 जो है इसके लोएस्ट आरपीएम है। मतलब कि इससे लोएस्ट आरपीएम जो है इसके नहीं जाते हैं, मतलब सबसे लोएस्ट आरपीएम जो है ये है। तो अभी जो है पानी का गिलास रखते हैं इसके ऊपर और फिर देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट रहता है लोएस्ट आरपीएम पे। तो सबसे पहले जो है आगे बोनट पे ही टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या कुछ लोएस्ट आरपीएम पे जो है रिजल्ट निकल के आता है। देखो लोएस्ट आरपीएम पे तो काफी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे आरपीएम बढ़ाएंगे। एक बार ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं और फिर धीरे धीरे जो है आरपीएम को बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे फुल आरपीएम कर देंगे इसके। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरपीएम भी दिखाता रहूंगा मैं हाथों हाथ। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ट्रैक्टर ने जो है आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ, अब थोड़ा मीटर जो है छुप गया था नीचे, तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रैक्टर ने जो है 2000, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक बार मैं इधर से दिखाता हूँ, 2000 आरपीएम तक तो मतलब सही करा, मतलब अपना स्टेबल जो है गिलास रहा। उसके बाद जो है जैसे ही 2500 आरपीएम, मतलब कि 2000 आरपीएम से ऊपर उठा, मतलब जैसे ही हमने दी रेस, उसके बाद जो है ट्रैक्टर का जो है गिलास वाइब्रेशन होने लग गया और आपने देखा आपके सामने जो है ट्रैक्टर का गिलास गिर गया। अभी बचा है अपना फेंडर, फेंडर पे रख के देखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि फेंडर पे क्या रिजल्ट आता है। अभी चलते हैं इसके ऊपर और करते हैं इसके फुल आरपीएम। अभी आप लोएस्ट आरपीएम पे देख लो भाई, बिल्कुल जो है लोएस्ट आरपीएम हल्के से और है इसके, मैं हल्के से करके और दिखा देता हूँ, इससे लोएस्ट इसके आरपीएम नहीं जाते हूं। आप जो है गिलास का मतलब पानी देख सकते हैं कितना जो है वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि मरघाट पे मतलब फेंडर पर भी जो है वाइब्रेट फील हो रहा है लोएस्ट आरपीएम पे, ठीक है। अभी धीरे धीरे करेंगे इसके फुल आरपीएम, क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है, करते हैं धीरे धीरे आरपीएम फुल भाई, फुल आरपीएम धीरे धीरे करेंगे तो आप देखते रहना। इसका वाइब्रेशन टेस्ट देखने के बाद भाई बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर में जो है वाइब्रेशन है, मतलब ट्रैक्टर में वाइब्रेशन को कंपनी को सुधार करना चाहिए, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। आप जो है फुल आरपीएम पे, फेंडर पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लोएस्ट आरपीएम पे भी इतना है, और जो हाई आरपीएम अगर करते हैं तो भी वाइब्रेशन जो है फेंडर पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो इसकी शो है उस पर तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आपने भी अगर इस तरह से शो पकड़ रखी है ना, तो आपका भी हाथ जो है फिसलने लगेगा, इतनी जो है इसमें वाइब्रेशन भर जाती है। तो इस चीज़ का जो है कंपनी को सुधार करना चाहिए, और सब कुछ आपके सामने करा, वीडियो बनाई और सारा कुछ जो है लाइव प्रूफ आपको दिखाया है। तो आप बताना आपको इसका वाइब्रेशन टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।